If p by q equal to 2 by 3 to the power minus 3 divided by 3 by 4 to the power 0, find p by q to the power minus 2. Any number to the power 0 हमारा 1 होता है, तो p by q equal to हमारा 2 by 3 to the power minus 3 equal to 3 by 2 to the power 3. अगर आपको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करना है तो न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में लेना है और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेना है. तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, 3 हो गया, ये डेनोमिनेटर में आ गया, ये 2 हो गया, तो 3 बाई 2 टू द पावर 3 है. अभी p बाई क्यू टू द पावर माइनस 2 हमें फाइंड आउट करना है, यानी q, तो p बाई क्यू हमारा 3 बाई 2 टू द पावर 3 और बाहर का पावर हमारा माइनस 2 है इक्वल टू 3 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू, ये डिफरेंट वे में मैं बता रही हूँ, इक्वल टू 3 बाय 2 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, यानी ये हमारा 2 बाय 3 टू द पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, तो ये हमारा 64 बाय 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243 243 इंटू 3, तो ये देखिए 243 इंटू 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 रख के 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 729, तो ये हमारा आंसर है. तो आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगता है आप अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तो यहाँ पर जैसे p by q to the power 2 है, उससे पहले वो 3 by 2 टू द पावर 3 जैसे हम लोग डिराइव किए थे वो सॉल्व कर दिया था, 3 क्यूब बाई 2 क्यूब इक्वल टू 27 बाई 8, तो 27 बाई 8 टू द पावर माइनस 2 यानी 8 बाई 27 टू द पावर 2, तो 8 स्क्वायर बाई 27 स्क्वायर इक्वल टू 64 बाई 729, तो इसका आंसर 64 बाई 729 है.